जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक दिन था जहां पर कई शताब्दियों का इंतजार पूरा हुआ। पूरे भारतवासियों के आंखें नम थी और सभी लोग प्रसन्न और हर्ष और भक्ति भाव से भरे हुए थे। भगवान राम लला श्री अयोध्या धाम में विराजमान हुए, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। हजारों राम भक्तों ने इस राम लला को यहाँ पर लाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी भक्ति की, बहुत सारे त्याग किया। आखिर वो दिन पूरा हो चुका, श्री राम लला अयोध्या धाम में विराजमान हो चुके हैं। आइए श्री राम के प्रसंग से मैं रामचरितमानस के कुछ दो उदाहरण देता हूँ जो कि हमारे जीवन में बहुत ही वैल्यू ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं प्रसंग लाता हूँ छोटे छोटे प्रयास। हम आप सभी लोग मायूस होते रहते हैं कभी कभी, अरे यार मैं एक छोटा सा आदमी, मैं एक नॉर्मल सा आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ अपने समाज के लिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राम मंदिर के भाषण में यही बोला था कि राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक, यानी कि श्री रामचंद्र भगवान तो आ चुके हैं लेकिन हमको श्री रामचंद्र भगवान की मर्यादाओं का पालन करना है। उन्होंने जिस तरह मर्यादा पूर्वक अपने जीवन को बिताया और एक मानव समाज के लिए ऐतिहासिक व्यक्तित्व निभाया, उसी व्यक्तित्व को फॉलो करते हुए हमको भी मानव समाज के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करना है। वो सारे कार्य मर्यादा में रहकर करने चाहिए, ना किसी से व्यर्थ में लड़ाई, ना किसी की चुगली, ना किसी का बुरा जाना, हमेशा अच्छी विचारधारा के साथ जीवन जीना। तो इसी विषय के आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करता हूँ छोटे छोटे प्रयास। छोटे छोटे प्रयास भी बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। जब भगवान राम लंका विजय करने के लिए समुद्र के किनारे थे और वहाँ पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा था, वहीं पे पास पे एक गिलहरी भी थी और गिलहरी क्या कर रही थी कि बार बार धूल माटी में लौट के और वो पुल के पास जाकर अपने धूल को झाड़ देती। तो वहीं पर जो हनुमान जी थे वो देख रहे थे कि गिलहरी बार बार हमारे कदमों में आ रही, मर जाएगी। तो उन्होंने गिलहरी को डांट दिया और वो गिलहरी फिर भगवान राम के पास गई तो बोला कि मुझे कार्य नहीं करने दे रहे। तो गिलहरी ने बोला, आप भगवान ने बोला कि आप कैसे कार्य कर, बोला मैं पुण्य निर्माण में मदद कर रही हूँ। बोला आप कैसे मदद कर रही हो, तो उन्होंने बोला कि मैं अपना धूल मिट्टी अपने बॉडी में लगा के और पुल के वहाँ पर डाल रहा हूँ जिससे कि जो पत्थर के बीच में जो स्पेस है वो दरारें भर जाए। तो बात तो बिल्कुल सही है। तो भगवान राम ने बोला कि इनको अपना काम करने दो। तो साथियों, हमारे छोटे छोटे, जिस तरह उस गिलहरी के छोटे से प्रयास पुल निर्माण में मदद कर रहे थे और भगवान राम ने उसके शरीर पे हाथ फेरा, कहते हैं कि गिलहरी के जो तीन सफ़ेद सी उंगलियाँ हैं वो भगवान राम के ही निशान है। हालांकि आज के समय में लोग इन सब बातों को, कुछ लोग काल्पनिक मानते, काल्पनिक मानने वालों के लिए अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हमको शिक्षा यही लेना है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी भविष्य में एक अच्छा रिजल्ट देते हैं और हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी साबित होते हैं और हमारे घर परिवार के लिए भी कल्याणकारी साबित होते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा ही उदाहरण दे देता हूँ, कोई लड़का अगर कोई भी स्मोकिंग नहीं करता, छोटे से लेकर बड़ी स्मोकिंग तक ये उसकी एक अच्छी हैबिट है, वो स्टार्टिंग से अगर इस हैबिट को फॉलो करते हैं, लाइफ में अगर कोई व्यक्ति पर डे 40 रुपये की भी स्मोकिंग पे खर्च करता, लाइक जर्दा, गुटखा, पान सुपारी, इट एक्स्ट्रा जो भी है स्मोकिंग के उसमें, अगर वो नहीं करता है, वो 40 रुपये पर डे भी सेव करता है, तो सोच सकते कि आपको लगभग 50 सालों में कितना रुपये बचाएगा और अपने स्वास्थ्य के लिए भी कितना बचाएगा और अपने परिवार के लिए भी कितना बचाएगा। ठीक है, इसको अन्यथा मत लेना, इसको लर्निंग पर्पज से लेते। दूसरा, मैं यहाँ पर रामचरितमानस का एक उदाहरण दूंगा, वीर जटायु का। जटायु को पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा को निभाया, वो एक नारी का अपमान को नहीं बर्दाश्त कर सका और रावण से भिड़ गया। अंततः भले ही वो पराजित हुआ लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा और सही दिशा में काम करने के लिए वो नहीं झुका और परिणाम यही हुआ कि वो रावण के द्वारा मारा गया, लेकिन भगवान राम के गोद में उसकी मृत्यु हुई। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, ये किसी बिरले को ही मिलता है। यहाँ तक कि महाराज दशरथ जी का भी अंतिम संस्कार भगवान राम के द्वारा नहीं हो पाया, लेकिन वीर जटायु का अंतिम संस्कार भगवान राम के द्वारा हुआ और यहाँ तक कि वीर जटायु की मौत भगवान राम की गोद में हुई, क्योंकि वो अपनी कर्तव्य निष्ठा पे डटे रहे। तो साथियों, आइए समाज में हम किसी के डर से, किसी के प्रभाव से आकर कुछ गलत कार्य कर जाते हैं तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको हमारे स्वभाव में रहना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक लाइन याद आ रही, ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में, अपने स्वभाव में जीजिए। जो बातें उचित है, जो बातें सही है, सटीक है, उस हिसाब से चलिए, ज़्यादा हवागिरी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है।
भगवान राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ पूछने को है, बातें होती रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।